लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आज संडे का दिन है, एतवार है और भाई आज फिर आए हैं हम सैनीवास में। और सैनीवास में देख रहे हैं आप काजला द भवन, यहाँ गेट के अंदर महंत जी झाड़ा लगा रहे हैं और ये जो लंबी लाइन देख रहे हैं ये टोकन लेने वालों की लंबी लाइन है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप बहुत दूर तक, ये लाइन जो है ये उधर गई बहुत लंबी, ये देखिए ये टोकन लेने वालों की लाइन लगी हुई है। और इनसे पूछेंगे भाई टोकन कितने पैसे में मिलता है, यहाँ पर कैसे मिलता है, कब मिलता है और कितने दिन तक काम करता है, और झाड़ा किस किस दिन लगाया जाता है, और झाड़े से कितने दिन पहले टोकन लेके खड़े हैं ये, और संडे को भी लगाया जाता है कि, ये बात भी पूछेंगे हम। सभी जनता के बीच में सवाल और जवाब, आपके सवाल और आपके जवाब होंगे, हम सिर्फ माध्यम हैं। हम न तो यहाँ ये कहते हैं कि कोई ठीक हो रहा है और न ही किसी प्रकार की हम गारंटी लेते हैं। जो जनता कह रही है वही हम आपके सामने पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सैनीवास धाम पंचतत्व धाम, यहाँ ओम बन्ना की पूजा होती है लेकिन झाड़ा पंथ तत्व के नाम से लगाया जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट भिवानी में है, राजगढ़ से 30 किलोमीटर हिसार रोड पर और हिसार से 45 किलोमीटर राजगढ़ रोड पर सैनीवास धाम है। और भिवानी से, दिल्ली से आने वाले भिवानी, भिवानी से शिवानी और शिवानी से राजगढ़ रोड पर 15 किलोमीटर सैनीवास है। उधर से आप रेवाड़ी से आ सकते हैं, रेवाड़ी से राजगढ़ सादलपुर आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं सादलपुर, रेलवे जंक्शन है, हिसार रेलवे जंक्शन है बड़ा, भिवानी रेलवे जंक्शन है जहां आप रेलवे से, रेल से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं। और हिसार राजगढ़ पर हर 25 मिनट के बाद, हर 20 मिनट के बाद बस की सर्विस है। यहां कोई भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी। और गाँव सैनीवास में भी सुबह सुबह हिसार से बसें आती हैं और जाती हैं, स्पेशल बसें प्रशासन ने लगाई हुई हैं। आप आइए तो आप पूछते हैं हम इनसे, जो जनता के बीच में क्या लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे टोकन लिया जाता है, किस प्रकार टोकन के पैसे लिए जाते हैं या फ्री में दिया जाता है। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? ये तिजारा से। हाँ जी, तिजारा। तिजारा कहाँ है ये? तिजारा अलवर साइड पड़ता है। अलवर साइड, यहाँ कैसे आए हैं आप? आपको तकलीफ है, दुख तकलीफ, इसलिए आए हैं। टोकन ले लिया आपने? टोकन ले लिया, टोकन के लिए लाइन लगी पड़ी। टोकन लाइन ले, कब लगाई थी लाइन? टोकन रात आए थे, कल रात। अच्छा, कल रात टोकन मिला नहीं, रात में बटेगा, मिला नहीं। अच्छा, तो अब लाइन में खड़े हैं। अब लाइन में खड़े हैं। हाँ, तो अब टोकन के लिए खड़े हैं। हाँ, आइए एक और मरीज आ रहा है, इधर दिखाइए भाई तेरा कैमरे से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से हैं सर? कैरू। कैरू से? क्या तकलीफ है? लकवा है। लकवा कितने दिन से? दस महीने। दस महीने? 22 जनवरी ने होया था। नाम क्या आपका? इंदर सेन। इंदर सेन, पहली बार आए हैं आप यहाँ? हाँ, पहली बार ही। पहली बार आए हैं, तो अब झाड़ा लगवा लिया आपने? हाँ, झाड़ा लगवाया। अच्छा, तो क्या तसल्ली है आपको कि यहाँ ठीक हो जाएंगे आप? पक्का विश्वास है। पक्का विश्वास है? अच्छा अच्छा, डॉक्टरों से दवाई ली आपने? ली। हाँ, लेकिन कोई खास फर्क नहीं, कोई खास फर्क नहीं हुआ। चलो फिर बात करते हैं, अगली बार आपसे ठीक हो जाएंगे तो आप ठीक है, आइए और बात करते हैं। इधर आ जाइए, ये लंबी लाइन लगी हुई है, ये कहाँ से हैं पूछते हैं। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? राजस्थान से, नीमराणा से। नीमराणा, नीमराणा से हैं ये। यहाँ कैसे आए आप? आया दुख के लिए आया साहब। क्या दुख है आपको? दुख है, बालका के तकलीफ ठीक हो जाती है। सारे बालका दुख तकलीफ है। ये आपका परिवार है? सारा परिवार है सारे, हमारे। आप भी इनके साथ हैं? हाँ, साथ हैं जी। क्या तकलीफ है, मतलब तकलीफ क्या है? बच्चों ने कोई खराबी होती है। अच्छा। कोई हमारी भी दुख तकलीफ है, कड़ में तकलीफ है, सांस फूल जाता है। अच्छा। हाँ, तो पूरे परिवार की तकलीफ मिटाने के लिए आए हैं? हाँ, पूरे परिवार की तकलीफ मिटाने। टोकन ले लिया? टोकन तो मिलेगी जाए साहब। बिना टोकन झाड़ा लगाते नहीं है? अच्छा, लगा देते हैं क्या? लगाते हैं, लगाते हैं, पैसे लेके लगाते हैं? ना, ऐसे लगाते जी। तो ऐसे ऐसे 10-5 आदमी निकल जाता है। 10-5 आदमी? हाँ, अभी तो नहीं निकाल रही है, अभी तो नहीं निकाल रहा। मेरे 5 आदमी निकलवाना, थोड़ा मेरे से थोड़ा निकलेगा सर? नहीं निकलेगा। राम राम। राम राम। कौन सा काम है?
शिवानी बोलन पहले भी मिली थी तुमने? हाँ मिली थी। अच्छा आज बता फिर के तकलीफ थी तेरे? मेरे इस आँख में दिक्कत थी। अच्छा आँख में दिक्कत थी, सच्ची बता क्या हरा रही? बताऊंगा मैं, तो तीसरा हरी हूँ। तीसरा उदन बताओ थी? ना उस दिन तीसरे दिन थी, तीसरा हाथ उदन मेरा झाड़ा नहीं लग गया था। उस दिन झाड़ा कौन लगा था? टेका था। अच्छा उस दिन झाड़ा कौन लगा था, मैंने पहचान ली तू। अच्छा ईब लू बता कितना फर्क है? मेरी दवाई अम्बाला लगी चल रही, मेरे कोई असर नहीं आई, मेरे खूब काफी असर है, कोई दर्द दुख नहीं है ना, मेरी दवाई चल रही, इतना आराम है। आँख से दिखने लग गया? दिखना तो कडा रखी है, इसमें दर्द नहीं मिटा था, कढ़ाया तभी आड़ माथा टेकने ते झाड़ा लुआने ते मेरा दर्द मिट गया, दर्द मिट गया, बहुत खुशी हो रही मेरे तो दिल में जमा खूब। अच्छा हाँ, पोता तीन बार आई है बस? तीसरी बार आ रही हूँ, पोते का आंटी का लिया कर दी पढ़िया कर दा। अच्छा 20 दिन हो गए मेरा पोता पढ़ता नहीं, आंटी में टांग आपस में हनु गल दे गद पढ़िया कर दा। अच्छा ये आंटी को नहीं गलती? ना ये आंटी नहीं गलती। कितने दिन का है पोता? पोता 8 साल का। यहाँ ले रखे अभी? हाँ हो रहा वहाँ है, चलो उनसे भी मिलेंगे, मिल लियो, आ जाओ आ जाओ, खूब आराम हो रहा है। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं जी? हम भी राजस्थान। राजस्थान से? लाइन सारी राजस्थान की है? राजस्थान की। राजस्थान की क्या तकलीफ है आपको? छोरी की आँख बिल्कुल एक गोंदिक है? अच्छा इधर नजदीक से दिखाना भाई, ये देखिए बिल्कुल भी आंखें नहीं झपका रही है, आंख बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा इसको, देखिए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, आंखें बिल्कुल अंधी है ये लड़की, ये देखिए आंखें देखो झपका नहीं रही है, नहीं तो आँख इतनी करते ही ऐसे करते हैं लोग, लेकिन इसकी आंखें झपक नहीं रही हैं, इसका मतलब अंधी है ये। क्या नाम है बेटा आपका? ममता। ममता काली दिखती से? हाँ जी काली दिखती से, दिन में काली दिखता है बिल्कुल, काली दिखे से, दिन में भी काली दिखे से, दिन में भी काला, रात को तो काला दिखता ही है, दिन में भी काला दिखता है आपको। पहली बार आई हैं आप यहाँ? दूसरी बार आ रहा। तो दूसरी बार आए हैं तो कुछ आराम है, कुछ थोड़ा बहुत के आंखें पलकों में कहीं थोड़ी बहुत लाइट दिखाई देती है? पता ही कौन चल है अभी, तो पता ही कौन चल है, जो ही पता चल रहा मेरे को मिलेगा ना? मिल जाऊंगा, अपने वीडियो देखियो और मेरा फोन नंबर उस पे कॉल करना, बताना मेरे को, तीसरी बार आओगे चौथी बार आओगे तो मिलूंगा आपसे बेटा। यहाँ कहते हैं कि आंखें भी मिलती हैं, दो तीन लोगों को आंखें मिल चुकी हैं, तो शायद भगवान ने आपको भी यहाँ आंखें मिलना लिखा हो। हाँ राम राम जी, कहाँ से हैं आप? राजस्थान से जी। पूरा राजस्थान है आज तो, संडे को मतलब इतवार को राजस्थान, बाकी दिनों हरियाणा दिल्ली वो चलता ही रहता है। क्या तकलीफ आपको? सर मुझे जवाड़े में जख्म है सर, और कैंसर की शिकायत। कैंसर बता दी? हाँ जी। तो कहाँ से? राजस्थान से। गांव कौन सा आपका? गांव मेरा दूधवा सर। दूधवा? खारा दूधवा? जूनू डिस्ट्रिक्ट। हाँ ये खारा दूधवा बोलते हैं इसी को? नहीं मीठा दूधवा। मीठा दूधवा लोहारू के पास? लोहारू के पास। ये दूध में भी खारे और मीठे कई हैं? हाँ जी कई। तेरा मीठा तेरा दूध ठीक से। तो मतलब पहली बार आए हैं क्या आप? नहीं दूसरी बार आए। दूसरी बार आए तो जख्म में कुछ दर्द में कोई फर्क है? हाँ जी बिल्कुल फर्क है जी। कितना फर्क है? मेरे को बहुत ज्यादा फर्क है सर। कितना ज्यादा? फिर भी आइडिया? मैंने एक बार लगवाया मेरा इतना हो जाता था जख्म। अच्छा अभी थोड़ा फर्क है, ज्यादातर फर्क है। अच्छा थोड़ा रहेगा? थोड़ा रहेगा। मुंह के अंदर जख्म है, कैंसर बता रखा है। एक झाड़े में 75 पैसे 60 पैसे मतलब 50% 50% फर्क है? हाँ जी। अकेले आए हैं आप? नहीं साथ। इनको क्या तकलीफ है? मेरे कान में ऋषि आया करती। कान में ऋषि? ऋषि वो बाबा का अगर ऋषि, वो ऋषि आया करता और कुछ नहीं? ऋषि ऋषि आया करती कान। पस पस आया करता? आए ग्री ऋषि भी हो है, हमने पढ़ा कर दे ऋषि। हाँ तो वो आप, आपका नाम क्या है? पूजा। हाँ जी पूजा। पूजा इनकी पत्नी है आप? आप भी दूसरी बार आई हैं? हाँ दूसरी बार आई। सच बताना आराम है क्या? सच आराम है मेरे। कदे इसके से तिकंदी होनी हुई? जमा भी कोनी आई अभी तो मेरे। जमा है कोनी अंदर? ऋषि आनी बंद होगी तो फिर तो तन्ने भी आना बंद हो जाना चाहिए, फिर क्यों आई है? नहीं तो दर्शन करने। अपना फोन नंबर बताएं आप। 70-237-43-277 70-237-43-237 दोबारा बता। 70-237-43-277 हाँ ये फोन नंबर है भाई का, तसल्ली कर लेना भाई दर्शकों, क्योंकि काफी लोगों का फोन आता है कि आप मरीजों के नंबर नहीं लेते हैं। वे मरीज का नंबर ले लिया तंग करे हैं, लेकिन लोग बंद कर लें स्विच ऑफ कर लें, हजारों फोन आने लग जाते हैं। आप कहाँ से हैं? राजस्थान। आप भी राजस्थान से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ। ये सारे एक ट्रेन में आए हैं? सारे अलग अलग। स्पेशल ट्रेन बुक करके आए राजस्थान से? ट्रेन में। अच्छा क्या तकलीफ है आपको? मेरे लड़के की तकलीफ है। क्या तकलीफ है? दौरा आता है। कौन से को?
इसको? हाँ। पहली बार आए हैं? पहली बार। कैसे आए, किसने बताया? ये देहात में सभी ग्रामीण जाते आते हैं, उन्हीं ने बताया। अच्छा, यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं? हाँ। उन्होंने बता दिया, चलो अच्छा है। ताई राम राम। राम राम। कहाँ से है? इशारते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। के तकलीफ से? सारा शरीर दुखा, गोड्डे का ढेर दुखेगा, ताई बुढ़ी होगी। फिर भी नो का भाई है, देखो कि मैं राम हो जाओ है। अच्छा, आराम आओ साढ़े आनते। हम तो कल आए थे। अच्छा, फिर मारी बारी को नहीं आई। उड़ धोख मारते भी नुका कर, आराम आ जाए, अगर तेरे धोख मारने को नहीं आया तो मारे आए। मारे तेरी छान गलवा दे, आड़ जमा आराम रही जागा गलवा दे। ऐसे तो मारा कि मैं करा नहीं। कहाँ से? हरियाणा से। क्या तकलीफ है आपको? बस की घुमड़ी है। बासिर की घुमड़ी है। अच्छा, तो पहली बार आए हैं? हाँ। आप इनके साथ पोती हैं? हाँ। अच्छा, जब ही जाना लगा नहीं है, टोकन मिल गया? ना, टोकन नहीं मिला। टोकन कोई न्यू नहीं करता कि पीछे दे दे ले ले आ जाएंगे टोकन? कोई कब है ना? कोई नहीं करता भाई, कोई पैसे लेने की कह रहे आगे भाई, टोकन के पैसे है? कोई नहीं करता है। अच्छा, रोटी खान पीन वाले कोई महंगी तो नहीं खो हड़े? नहीं, कोई महंगी जो साधारण लोग 60-70 रुपए लेते हैं वो लेते ही वो ही लेते हैं। रजाई के गद्दा के इनके नारे ले, इनके रजाई के 20 रुपए, गद्दे के 10 रुपए। फिर तो घनी महंगा को नहीं भाई? 100 रुपया में तो सर में खुआ रोटी, 60 में खुआ ला रहे, फिर तो आज हाफ रेट में खुआ तुमने। आ जा भाई, और पूछा है थोड़ी। राम राम जी, कहाँ से हो आप? टुवाने से जी। टुवाना से? आप भी टुवाना से हैं? ना जी, ख्याड़ीता। ख्याड़ी कड़ी से? न्यंगले ऊपर ने। राजस्थान में? राजस्थान। यानी इस्ता बॉर्डर आ गए गेलना, हरियाणा आ गए राजस्थान। हाँ। यह ट्रेन राजस्थान की आ गए। हाँ। अच्छा, टुवाना से क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ मेरी जी छाती दुख है। अच्छा, और नहीं फड़क फड़क कर, फड़क फड़क करे तो ज्यादा आया, गर्मी में करे अगर फड़क फड़क मन नहीं वेरो मत ये करा कोई नहीं मेरा था कम मत आप है। पहली बार आई है? पहली बार मैं तो वेरो को नहीं जी, वेरो को नहीं था। हाँ। वेरा और तो पहली आ जामर। हाँ। आप भी टुवाना से? टुवाना। आपकी भी फड़क फड़क रहे ना जी, मैं तो गुड्डे। अच्छा, पहली बार आए हैं आप भी? आप भी पहली बार आए हैं? आप भी पहली बार ही आया थे? राजस्थान लागो मैंने। हां, राजस्थान से आखियाड़ी का आवे। तो ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं जी? आसी से। आसी से? हाँ। क्या तकलीफ है आपको? मेरे को शुगर है, काढ़ा पी लिया था, शुगर है, लीवर भी खराब था। था यानी इसका मतलब ये कोनी? ना, आराम हो गया? आराम है। कितनी बार आ चुकी? एक झाड़ा लग गया, 3-4 बारियां फेरी लगा गए, नंबर को नहीं पड़ा। फेरी लगा गए, नंबर कौन पड़ा? थोड़ा पर नोई भाई का थोड़ा सा। अच्छा, तो शुगर भी थी? हाँ। और क्या था? काला पीलिया। काला पीलिया और लीवर खराब। लीवर भी खराब था। पित्त की थैली में पथरी भी। पित्त की थैली में पथरी। हाँ। तो अच्छे पूरा मतलब अस्पताल वाली सारी बीमारी तय इकट्ठी करा की थी? हाँ, सारी यही भाई जी, इसमें के मजा। अच्छा अच्छा, तो एक झाड़ा में फर्क हो गया आपको। हाँ। नाम क्या है आपका? संतोष। संतोष, आसी से। हाँ। फोन नंबर बता सको आप हमारी? वो बता दो कौन है बता दे। आपका घर का कैसा है, परिवार का सदस्य का आदमी का नंबर बता दो कोई बता दे। है जी आपको? आइए आइए, आप भी आइए इधर। ऐसा है कि लोग तसल्ली करना चाहते हैं, मैं सारी चीज मैं बताने लग रहा हूँ वीडियो में, लेकिन फोन करेंगे नुके सच्ची से के भाई बताइए। अरे मैं बताऊँ सुमा खा इस वीडियो में ना, फिर भी बता दे, तसल्ली नहीं है लोगों को, इसलिए फोन नंबर अपने घर वालों का बताना, खुद का नहीं बताना। ठीक है, 92-55-41-59-36। दोबारा बताएं एक बार, 92-55-41-59-36। हाँ, इस नंबर पे आप तसल्ली कर सकते हैं। आपको क्या तकलीफ थी? मैं तो पहली बार आई, पहली बार इनके साथ आई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब आपको आप पूरी तरह स्वस्थ हैं? हाँ, एक झाड़े में बस शुगर शुगर। तो भाई देखो ठीक है कुछ ना कुछ तो दुनिया कह रही है ठीक हो रहे हैं, और वहां बैठे हैं रीढ़ की हड्डी टूटे हुए, लकवा, पैरालिसिस, और भी कैंसर, शुगर, हार्ट की बीमारियां, बहुत से मरीज बैठे हैं, उनसे भी मिलवाने जा रहा हूं। आप एक बार बंद कर ले भाई, एक मिनट।